हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशिन टेक चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी डेली वॉलपेपर्स चेंज करना पसंद है और अगर आप भी ग्रेडियंट वॉलपेपर्स की कैटेगरी को पसंद करते हैं और अपने फ़ोन में इस तरह के वॉलपेपर्स को अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि मैंने अपने फ़ोन में किया हुआ है, तो दोस्तों ये वॉलपेपर मैंने खुद से क्रिएट किया है, खुद से बनाया है और आप भी इस तरह के बहुत सारे वॉलपेपर्स बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के ग्रेडियंट वॉलपेपर्स को अप्लाई करने के बाद में आपके फ़ोन को बहुत ही अच्छा लुक मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर भी ये जो वॉलपेपर है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अलग अलग कलर्स में और अलग अलग स्टाइल में आप ये इस तरह के वॉलपेपर्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, इस तरह के ग्रेडियंट वॉलपेपर्स क्रिएट करने के लिए, उस तरह के ग्रेडियंट वॉलपेपर्स बनाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो आपको प्ले स्टोर पर इजिली अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर आपको टिंट नाम से यह ऐप जो है अवेलेबल हो जाएगी और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर भी आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ऐप को कैसे यूज करना है उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। देख सकते हैं 4.6 की रेटिंग है इस ऐप की, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मैक ग्रेडियंट वॉलपेपर्स भी यहां पर लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं यहां पर इस ऐप की साइज की, तो देख सकते हैं ओनली 1.5 MB की इस ऐप की साइज है। तो मैं जल्दी से इस ऐप को यहां से इंस्टॉल कर लेता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह ऐप जो है डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहले परमिशन को अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद में यहां पर आपको एक सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इससे आपको कैसे वॉलपेपर को क्रिएट करना है देख सकते हैं। यहां पर आपको दो सर्कल देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहां पर ऊपर टैप करते हैं कुछ इस तरह का यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं आप जो भी कलर यहां पर सेट करना चाहें वो कलर आप यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद डन कर लेता हूं। डन करने के बाद में यहां पर नीचे वाले सर्कल पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में यहां पर मैं कोई भी एक कलर जो है यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर जो आप ऊपर वाला ऑप्शन देख रहे हैं इसको आप बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं इसकी जो ओपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जो बीच में आप देख रहे हैं यहां से आप कलर के शेड को चेंज कर सकते हैं और जो सबसे लास्ट में आप यहां पर देख सकते हैं आप इसके जो कलर्स की लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन को यहां से सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आप उस कलर का लाइट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कम करते हैं तो देख सकते हैं आप बिल्कुल डार्क कॉम्बिनेशन को यहां से सेट कर सकते हैं। तो ये सब आप सेट करने के बाद में आपको यहां से डन प्रेस करना है। डन प्रेस करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो वॉलपेपर वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर अगर आप वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं अभी जो आप यहाँ पर इस वॉलपेपर की स्टाइल देख रहे हैं ये वर्टिकल है, और अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको नीचे 2 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये सेकंड लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है लुक देखने को मिल जाएगा। अगर आप लास्ट में सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको 4 स्टाइल्स देखने को मिल जाती है जो आप इस वॉलपेपर्स में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मुझे इस वॉलपेपर को अप्लाई करना है तो मुझे ओनली यहाँ सेट एज योर स्क्रीन का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उस पर ओनली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो वॉलपेपर है वो इजिली अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो वॉलपेपर है वो अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक दूसरा वॉलपेपर क्रिएट करके बता देता हूं, क्योंकि इस तरह का वॉलपेपर मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ था। तो मैं यहां पर सबसे पहले इस ऐप में चला जाता हूं और ऐप में जाने के बाद में यहां पर मैं कोई भी एक दूसरा जो है कलर सेट कर देता हूं, और सेट करने के बाद में मैं दूसरा जो वॉलपेपर है वो क्रिएट करके आपको सेट करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ 2 कलर्स को सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद में सेट एज योर स्क्रीन करना है और आप जब होम स्क्रीन पर आएंगे तो ये वॉलपेपर आपकी होम स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप वॉलपेपर्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी वॉलपेपर आप बनाते हैं अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। सेव टू गैलरी पर क्लिक करने के बाद में अगर आप गैलरी में जाएंगे तो ये वॉलपेपर्स आपको गैलरी में शो नहीं होंगे। इसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में यहां पर आपको फोन स्टोरेज में
ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और टिंट नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। दोस्तों कुछ और भी वॉलपेपर्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इससे किस तरह के वॉलपेपर्स बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉलपेपर जो भी मैंने लास्ट में क्रिएट किया था, ये वही वॉलपेपर। उसके बाद में अगर बात करता हूँ मैं दूसरे वॉलपेपर्स की, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये वॉलपेपर जो है मैंने क्रिएट किए हैं। तो मैं सारे ही वॉलपेपर्स आपको वन बाय वन बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस वॉलपेपर की साइज अभी यहाँ पे आपको स्क्वायर देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप इसको अपने फोन की होम स्क्रीन पर सेट करेंगे, देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर मोर में जाता हूँ, सेट एज वॉलपेपर करता हूँ, तो ये करने के बाद में ये वॉलपेपर जो है वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा स्क्रीन पर, चाहे आप इसको लॉक स्क्रीन पर सेव करें या फिर होम स्क्रीन पर सेव करें। तो देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर कुछ और वॉलपेपर्स दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के वॉलपेपर जो है मैंने क्रिएट किए हैं। आप भी जो है इस तरह से बहुत सारे वॉलपेपर्स अलग अलग कलर में बना सकते हैं और अपने फ़ोन की होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन दोनों पर ही सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इस ऐप की मदद से ग्रेडियंट वॉलपेपर्स को बना सकते हैं और अपने फ़ोन की स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एक वॉलपेपर लवर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आगे भी हमारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।